देखिए, दिस इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ योर जीपी. अ मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड्स दैट द वैल्यू ऑफ मशीन. एक मैन्युफैक्चरर ने आपका जो है मशीन की जो वैल्यू आंकी है वो आपका क्या 15,625 यानी कि 15,625 अपन ने रिकॉर्ड की है. विल डेप्रिसिएट और हर साल ईच ईयर आपका 20% से आपका जो है वो नाउ डेप्रिशिएट हो रही है. फाइव एस्टिमेटेड वैल्यू, पांच साल के अंत में उस मशीन की क्या वैल्यू हो जाएगी, उसकी क्या औकात रह जाएगी, मतलब क्या निकल रहा है. सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आप जब खरीदते हैं मार्केट से, जैसे आपने शोरूम से आपने कार खरीदी, शोरूम के दरवाजे से आपकी कार बाहर आई, डेप्रिशिएशन उसका होने लग जाता है. लाइक बच्चा पैदा होता, बड़ी खुशी होती है यार, आज हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, लक्ष्मी पैदा हुई है, कुबेर जी पैदा हुए हैं. लेकिन समझ लो कि उसी दिन से अब उल्टी गिनती, तो मैं नहीं जानता लेकिन उल्टी गिनती आपकी शुरू हो जाती है. आप खुद ही देखिए, मैं दीपावली के दिन पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये उल्टी गिनती है, उल्टी गिनती होगी. तो मतलब डेप्रिसिएशन कॉस्ट उसी दिन से. हम बड़ा खुश होते हैं, बर्थडे मनाते हैं, पॉजिटिव चीज अच्छी बात है आपका लाइफ में आपका नाम, लेकिन साथ ही साथ उसके ड्रॉबैक्स को भी हमें, कि जहां हमने जाना है उसके कितने नजदीक पहुंच रहे हैं ये भी हमें देखना है. बराबर, मॉर्निंग का वक्त है ऐसा नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं मैं. हर चीज की कॉस्ट आपका जो है मकान से, अगर आप सपोज के लिए अभी कार लाए और आपके दिमाग में नहीं यार मुझे कार की जरूरत नहीं है, आप किसी को कहेंगे भाई साहब ये कार मैंने अभी अभी खरीदी है, अभी तो उसके नंबर भी नहीं लेके आया, वो कहेगा भाई साहब ऐसा ना 5 लाख की कार खरीदी, 4.5 लाख दे दो. कुछ लोग उसका भी बेनिफिट उठाते हैं, ये पर वो नहीं है. तो देखो अब आप इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, देखिए आप मेरा तो लेग, सॉरी नॉट लेग, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹15,625 है सर. ठीक है जी, ओके. Cost of machine is depreciating 20% each year. ये दिया आपको. तो अब आप बार बार, वैसे अगर आप देखेंगे इनिशियल वैल्यू का मतलब ही आपका क्या हो गया, अगर आप जीपी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया कॉमन, आपका फर्स्ट टर्म का मतलब पहला टर्म आपका जो हो गया वो आपको इसमें मिल गया आपका नाम. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वैल्यू आपकी निकालनी है आपका नाम. देखो दिस इनिशियल कॉस्ट आपकी आ गई, बार बार हम इसको रखेंगे, इसको आप इसी बार रुपीस ए भी लिख सकते हैं. तो देखो इसका मतलब आपका क्या हो गया, डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू आपका नाम. देखो ये जो इनिशियल कॉस्ट है इनटू आपका नाम, जो डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट आपका ईच ईयर है, इसको आपका देखो ये लगा दीजिएगा. तो ना दो आपका रुपीस ए मैंने अभी माना, बार बार 15,625 में रखो, उसका देखो 20% हमने कर दिया अपना. देखो तो ये आपका 10,000, ये 1/5 आ गया, तो रुपीस ए बाई फाइव, मतलब वो जो मशीन जिसकी कॉस्ट आपका रुपीस ए है वो हर साल आपकी जो है उसके 20% का मतलब ए बाई फाइव उसकी आपकी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है. ठीक हो गया, क्लियर, फाइन हो गया. इसका मतलब आपका क्या हो गया, ए आज मशीन की जो कॉस्ट है माइनस जो उसकी डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट है आपका, देखो ना इज इट क्लियर, ये इक्वल आपका कितना हो गया, ए आप कॉमन ले लीजिएगा, तो देखो 1 - 1/5 या 5/8, आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं तो 5/5 - 8/8 आपका देखो 5a/4a/1, कोई शक है जी, हो गया. तो देखो इसका मतलब देखो ए इंटू आपका देखो 4/5, ए इंटू 4/5 इसी को आपका देखो ये ए हो गया और ये आपका क्या हो गया आर हो गया. यहीं से पता लग गया आपको आर इस जगह मेरे पास आपका क्या है 4/5 डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट हो रही है, तो हर साल कितनी घट रही है वो आपका क्या हो गया रेशियो कॉमन. रिजल्ट क्लियर, फाइन, कोई दिक्कत है. अब आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ
पहले साल में तो हो गया, अब आपका नौकरी वैल्यू ऑफ मशीन दूसरे साल के अंत में उस मशीन की कितनी कॉस्ट हो जाएगी? एआर माइनस एआर का 20% हो गया ना, तो ये आपका वही 1/5 आ गया। तो 5 AR माइनस आपका 4 AR सॉरी ओवर आपका ना देखो दिस 5 ये आपका क्या तो AR तो देखो 4 AR ओवर आपका कितना हो गया आप क्या कहते हैं सेकंड ईयर को आपका क्या कहते हैं AR स्क्वायर कहेंगे श्योर है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4/5 को ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे सिमिलरली थर्ड ईयर के निकालेंगे ऐसे सिमिलरली एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर निकालेंगे और ऐसे सिमिलरली एट द एंड ऑफ सॉरी फिफ्थ ईयर पांचवें साल के लास्ट में आपके हिसाब से क्या हो जाएगा AR की पावर 5 श्योर क्लियर। ए इनिशियल कॉस्ट कितनी है 15625 R कितना है आपका R वाज व्हाट आपका 4/5 का पावर 5 तो 15625 इनटू जरा 4 का पावर करिएगा कितना आता है ये तो अगर आप देखेंगे ना ये देखो ये आपकी 5 की पावर कितनी 5 × 25 × 625 625 × 1325 और 1325 जा और फिर ये 5 की पावर 6 आती है 4/5 और आपका देखो 5 की पावर 5 इससे ये एक 5 इनटू 4 की पावर 5 होगा तो 4 4 4 4 4 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 = 16 4 = 64 और 64 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करेगा 16 से मल्टीप्लाई करिए और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है आना चाहिए चेक करिए आप हाँ ये 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वाज मतलब जो मशीन की कॉस्ट आपका ₹15,625 थी एंड एवरी ईयर आपका ना द डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट इज आपका 20% तो आपका पहले आपने फर्स्ट ईयर के उसमें निकाला फिर सेकंड ईयर के उसमें निकाला ये तो आपका ऐसे निकालता गया ये जो आप निकाल रहे थे आपका ना वैल्यू ऑफ मशीन एट द दिस इज द फर्स्ट ईयर ये आपने निकाला आपका देखो ना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और लास्ट ईयर थर्ड ईयर एक ही वैल्यू आपकी क्या है फर्स्ट टर्म है इनिशियल कॉस्ट है आपका नाम एंड देन यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ एक्सपोनेंट फॉर्म आपका जिसको पावर फॉर्म कहते हैं और 5 की पावर 5 से 5 की पावर आपका ये 6 कैंसिल हो गए एक पावर बची 4 को यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 टाइम्स विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 देन मतलब जो मशीन आपने 15,625 में 5 साल पहले खरीदी थी आज 20% डेप्रिसिएशन कॉस्ट के कारण उसकी कीमत आपका जो मार्केट में ₹5,120 रह गई। इज इट क्लियर? प्लीज वेट।